ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम अभी चर्चा करेंगे आत्माभिमानी स्थिति से पुरुषार्थ का कितना बड़ा महत्व है, आत्माभिमानी हम कैसे बने। ठीक है, सभी जागृत होकर के बैठेंगे, बीच में एक बार ताली बजाएंगे। क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति का बहुत ही महत्व का विषय है, इसीलिए अलर्ट होकर के बैठेंगे। जैसे राजा बनने का पुरुषार्थ महत्व का था, कैसे राजा बनना है, कैसे इंद्रियों की चेकिंग करनी है, वैसा ही आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ बहुत महत्व का है, इसके लिए भी बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठेंगे। क्योंकि सारे हमारे पुरुषार्थ की कमी का कारण है देह भान। मानी बनेंगे, पुराने संस्कार आकर्षित नहीं करेंगे। जब हम देह भान में आते हैं तो आत्मा को सुख नहीं मिलता अतींद्रिय का, तब जाकर के विकारों से सुख लेने का आत्मा प्रयास करती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो तो इंद्रियों से भी परे वाला सुख मिलेगा। का हमारा सेकंड